Hello students, this is Chandan Kumar from KV Vaksar, your science teacher. And this video is especially dedicated to those students who is facing difficulty in Ohm's law. Ohm's law में जो students जो बच्चे difficulty face करते हैं उनके लिए ये video बनाई जा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि Ohm's law ने क्या कहा था, Ohm's law में क्या कहा गया था। तो Ohm's law में यही कहा गया था कि अगर आपके पास कोई भी सर्किट है, सपोज ये सर्किट आपको, ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, ओके ये एक बैटरी है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से इधर से और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो अगर इस सर्किट में सपोज यहाँ पर अगर V है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो इससे पास हो रही है वो I है, ओके तो इस लॉ में यही कहा गया है कि अगर हम वोल्ट को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। सिंपली यही कहा गया है इस ओम्स लॉ में। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। जैसे लिखा है इसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स कंडक्टर अक्रॉस इट्स टू एंड ऑफ द कंडक्टर। सपोज ये पेंसिल जो आप देख रहे हैं, अगर ये कंडक्टर हो या एक कॉपर वायर हो या कोई भी कंडक्टर ही अगर हो, तो अगर मैं इसके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दूं, तो सेम रेशियो में करंट भी इंक्रीज होगा। जैसा मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, सपोज इस सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 4 वोल्ट है और 4 वोल्ट पर हमारा करंट जो है 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, और अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को 4 वोल्ट से 8 वोल्ट कर दें तो हमारा करंट जो है 4 एम्पियर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार मैं और पढ़कर आपको बता देता हूँ इसे कैसे लिखा गया है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मतलब उस कंडक्टर से जो करेंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो हमारा करेंट जो है आई, वो हमारा करेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, इसके दोनों एंड्स के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस सिंपली सी यही बात यहाँ पर आप लोग देखें इस पीडीएफ में, यहाँ मैंने भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा भी है। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मीन्स अगर हम करेंट इंक्रीज करेंगे, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो हमारा करेंट भी इंक्रीज होता है। और अगले स्टेप्स में मैंने क्या किया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दिया है और उसके जगह पे आर को लिखा है। अब अगर इसे हम देखते हैं तो आर जो है ये हमारा कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, करंट जो है उसे आई से इंडिकेट किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे वी से इंडिकेट किया गया है। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अक्रॉस, तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारा करंट है, और यहाँ आप देख रहे हैं 4 वोल्ट पर 1 एम्पियर का आपको करंट मिल रहा है, तो 8 वोल्ट पर 2 एम्पियर का आपको करंट देखने को मिलेगा, वैसे ही 12 वोल्ट पर 3 एम्पियर को। तो सिंपली अगर आपसे किसी ने ओम्स लॉ पूछा कि ओम्स लॉ में क्या कहा गया है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर, अगर किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है वो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच के प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। सो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में ओम्स लॉ क्लियर हुई होगी, और अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कुछ दूंगा, आप उसे सॉल्व कर लें, और अगर नहीं होंगी तो आप मुझे ग्रुप में या कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।